वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जावेद अहमद। आज मैं 48TR का एयर कूल चिलर के बारे में आपको बताऊंगा। ये ब्लू स्टार का चिलर है। पहले शुरुआत करते हैं ब्लू स्टार चिलर के नेम प्लेट से। ये इसका नेम प्लेट है। इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है, रेटेड कैपेसिटी लिखा हुआ है, मशीन का सीरियल नंबर लिखा हुआ है, कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है ये भी लिखा हुआ है, कितने रेफ्रिजरेंट चार्ज कर सकते हैं वो भी लिखा हुआ है, पावर सप्लाई, रेटेड करंट, मैक्सिमम करंट, ऑपरेटिंग वेट, ये सभी ये नेम प्लेट में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। ये डिस्प्ले बोर्ड है, ये मैं ओपन कर देता हूँ। ये कैरल का मेन पीसीबी बोर्ड है। ये सभी 12 वोल्ट्स के है। ये मेन इनकमर है पीसीबी बोर्ड को चलाने के लिए, RYB 3 फेज का ज़रूरत पड़ती है। ये सभी DC वोल्ट्स है। ये टॉगल स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। ये मेन इनकमर है 95 स्क्वायर mm का, और ये 95 स्क्वायर mm का इनकमर SFU में लगा हुआ है। SFU मतलब स्विच फ्यूज यूनिट। इसका आउटगोइंग आके 6 स्क्वायर mm है। ये सीमेंस कंपनी के MCBs है और चिंट के कॉन्टैक्टर है। और ये टर्मिनल ब्लॉक है। और ये डैनफोस मेक के कंप्रेसर है, स्क्रॉल कंप्रेसर। इसमें 4 कंप्रेसर लगे हुए हैं। ये टैंडम सर्किट है। टैंडम सर्किट मतलब दोनों का एक ही सर्किट होता है। और इसका मॉडल नंबर है SM185S4RC बोल के। ये कंडेंसर कॉयल है। इसका फेस एरिया आके 88.5 स्क्वायर फीट है। ये शेलन ट्यूब टाइप ऑफ कूलर है। उसका इनलेट और आउटलेट, वो बटरफ्लाई वाल इनलेट, वो बटरफ्लाई वाल आउटलेट, बैलेंसिंग वाल वाटर को बैलेंसिंग करने के लिए, फ्लो स्विच है, 12 वोल्ट्स में काम करता है, वाटर बेलोस लगे हुए हैं, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज लगे हुए हैं। ये कंडेंसर फैन मोटर है और कंडेंसर फैन ब्लेड है। ये कंडेंसर फैन ब्लेड का 915 mm डायमीटर है। 2 कंडेंसर फैन मोटर लगे हुए हैं और 2 कंडेंसर फैन ब्लेड है। और ये मशीन चल रहा है 48TR एयर कूल्ड का। 15 डेज़ वो चलाते हैं और 15 डेज़ ये चलाते हैं। इससे हम लोगों को मशीन का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। ये मोटर्स है। थैंक यू वेरी मच मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए।